और एक सबसे खास बात मैं बताऊं कि अमेरिका में फेसबुक के माध्यम से अमेरिका की एक लेडीज़ है जो अंबिकापुर से जा करके बसी हैं, उनका नाम है कृष्णा अग्रवाल, उन्होंने फेसबुक से देख करके मुझे सहयोग राशि प्याव हेतु भेजी है। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा अंबिकापुर में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान लोगों को शीतल पेयजल के साथ ही शरबत और अन्य चीजों का वितरण किया जा रहा है, जहां काफी संख्या में लोग मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा चलाए जा रहे शरबत प्याव में पहुंचकर गर्मी से राहत पा रहे हैं। इस शरबत की शुरुआत शहर के मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा की गई है, जिस मंच के साथ साथ शहर के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं इस प्याव को समर्थन देने सात समुद्र पार से भी सहयोग पहुंच रहा है। इंसानों के लिए व्यवस्था के साथ साथ मंच ने प्याव के पास घूम रहे मधुमक्खियों और चींटियों के लिए भी अलग से पूरी व्यवस्थाएं की है। शहर में मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा शरबत प्याव में लोगों को गर्मी से राहत पहुँचाने चना गुड़ तरबूज और ग्लूकोज डी रहित शरबत का वितरण राहगीरों को किया जा रहा है, जिसमें अंबिकापुर के मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों के साथ साथ शहर के लोगों का समर्थन तो मंच को मिल रहा है। वहीं अब अमेरिका में रहने वाली अंबिकापुर की कृष्णा अग्रवाल ने फेसबुक के माध्यम से मंच के इस सराहनीय कार्य को देखकर अपना सहयोग प्रदान किया है। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा बीते 7 वर्षों से नवरात्र से लेकर निर्जला एकादशी तक पूरी गर्मी भर शरबत प्याव की व्यवस्था मंच के द्वारा की जा रही है, जो बीते 6 वर्षों तक राम मंदिर रोड में स्थित जहां मंच के द्वारा स्थायी वाटर कूलर राहगीरों के लिए लगाया गया है, जिसके बाद यह सेवा इस वर्ष अग्रसेन चौक से जाने वाले खरसिया रोड में लगाया गया है। वहीं बात करें इस शरबत प्याव की खासियत के बारे में तो मारवाड़ी युवा मंच के शुभम अग्रवाल ने बताया कि इस प्याव में शरबत गुड़ चना तरबूज खीरा बूंदी और समय समय पर अलग अलग चीजें राहगीरों को उपलब्ध कराई जाती है, जिससे राहगीरों को भीषण गर्मी में भी राहत मिल रही है और काफी संख्या में राहगीर इस मारवाड़ी युवा मंच के प्याव में पहुंच रहे हैं और गुड़ चना तरबूज खाने के बाद शरबत से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच के लोगों के द्वारा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी अपलोड किया जा रहा है, जिसे देखते हुए अमेरिका में बसी अंबिकापुर की महिला कृष्णा अग्रवाल ने मंच के इस कार्य की सराहना करते हुए सहयोग राशि प्याव हेतु मारवाड़ी युवा मंच को प्रदान किया है। इसके साथ ही सरगुजा जिले सहित छत्तीसगढ़ की राजधानी यहाँ हम लोग मारवाड़ी वोमेंस द्वारा पिछले 7 सालों से पूरी गर्मी भर नवरात्रि से लेकर के निर्जला एकादशी तक शरबत प्याव की व्यवस्था की जा रही है, जो कि पिछले 6 सालों से राम मंदिर रोड में स्थित था। चूँकि मारवाड़ी वोमेंस द्वारा वहाँ स्थायी वाटर कूलर लगवा दिया गया है राहगीरों के लिए, तो यह सेवा इस बार खरसिया रोड में संचालित की जा रही है। इस प्याव की खासियत यह है कि इस प्याव में आपको शरबत गुड़ चना तरबूज खीरा वो समय समय पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे कल हमारे स्टॉल से बूंदी तरबूज शरबत वितरण हो रहा था और आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि शरबत गुड़ चना तरबूज इस तरीके की चीज़ों का वितरण हो रहा है, जिससे राहगीरों को गर्मी में राहत मिल सके। तो जो ऐसे संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन हज़ारों की संख्या में, चूँकि हम लोग जो शरबत बनाते हैं उससे एक अनुमान लगता है कि 1000 लीटर लगभग शरबत रोज़ाना खपता है। 1 लीटर में 5 गिलास, चूंकि जो तो गिलास हम लोग कराता है 200 ml का रहता है। तरबूज की बात करें तो तरबूज लगभग 4 से 5 क्विंटल रोजाना खपत होता है। मैनेज तो जैसे मारवाड़ी मंच के बैनर तले यह संचालित हो रहा है, समाज के लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है। हम रोजाना की बुकिंग लेते हैं, रोज जैसे आज किसी और की तरफ से है, कल किसी और की तरफ से है, ऐसे करके हमको पूरे 2 से 2.5 महीना जितने दिन प्याव का स्टॉल चलता है उतने दिन की हमको बुकिंग मिल जाती है। अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर लोकल से तो हम लोग को मिलता ही है, क्योंकि हम लोग समय समय पे लोगों द्वारा फेसबुक में भी डाला जाता है, जिसे देख करके हमको अभी तक रायपुर से। और एक सबसे खास बात मैं बताऊँ कि अमेरिका में फेसबुक के माध्यम से अमेरिका की एक लेडीज़ है जो अंबिकापुर से जा करके बसी हैं, उनका नाम है कृष्णा अग्रवाल, उन्होंने फेसबुक से देख करके मुझे सहयोग राशि प्याव हेतु भेजी है। गर्मी कितना है और कितना राहत मिल रहा है? बहुत गर्मी है सर, हम लोग यहाँ रोज आते हैं, पानी पीते हैं और नाश्ता करते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या मिलता है यहाँ? कलिंद्रा गुड़ चना और शरबत पानी सब मिलता है सर। गर्मी ठीक है, काफ़ी ठीक है गर्मी? अरे गर्मी बहुत सारी है सर, गर्मी हद से ज़्यादा है भैया।
नाम हल्ला ही रिकॉर्ड। क्या क्या कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे धूप बहुत होती, गर्मी बहुत होती है, और क्या, पानी पीते हैं रोज को आया के। कहाँ से आते हैं आप लोग, कितना दूर दूर से? अरे वो दूर से आते सर, यहाँ ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ व्यवस्था है तो यहीं आते हैं, यहाँ आना पड़ता है, और का। और लोगों को करना चाहिए और का, सब लोग करें ऐसा तो और अच्छा है, सहायता ऐसी। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? पानी मिलता है, शरबत वाला कलिंदा मिलता है, गुड़ भी मिलता है, चने भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है।